The latest on the current crackdown on farmers by the Rajasthan government. This is ahead of the massive protest that they'd planned of marching to the state assembly. The police had already earlier today sealed off all borders, all roads leading to Jaipur, with every vehicle being checked. The state government in Rajasthan has already arrested more than 80 farmers, including CPIM leader Amara Ram, along with top MLA. The farmers there, having called for this protest, which started yesterday in Sikar district, demanding a better price for their crops, a better MSP, along with other year-long standing demands that they have continued with. कर्ज माफी को लेकर जो कूच का आह्वान था, राजस्थान की सरकार जयपुर की विधानसभा पर जाने से किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह ट्रेलर जो आपने देखा है कि राजस्थान की सरकार की पुलिस आगे है और राजस्थान का किसान विधानसभा की ओर फिर कूच आगे बढ़ रहा है। यह कार वो विधानसभा तक जाएगा, आठवीं बार भी राजस्थान की सरकार को झुकाएगा, किसान जीतेगा, राजस्थान की सरकार हारे। हमारी मांगा है कि किसानों का भाव मूल्य मिला को नहीं, वास्ते किसानों का कर्ज हो गयो। कर्जे के कारण किसान आत्महत्या करने लग रहे हैं। दाना मारे बाप रिया जगह भाव को मिलिया नहीं, आस्ते भूखा बैठा, भूखा झगड़ा है। स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू कर दो, कर्जो मारो माफ कर दो, माने मूल्य मिली का नहीं सरकार की। हमारी मांग ये थी भाई, 50,000 रुपए का तक का कर्जा सभी किसानों का, छोटे और बड़े सब आ गए उसमें। तो इन्होंने छोटे चुन लिए और ब्याज वालों को चुन लिया, ये कोई बात थोड़ी है। वो भी चुना का और 5,000 रुपए पेंशन की गारंटी दी थी हमारे सरकार ने। कैबिनेट कैबिनेट मंत्री चार मंत्रियों की कैबिनेट होकर के कमेटी को ठीक करके उन्होंने लिखित में हमारे नेता को आश्वासन दिया था, फिर मुकर गए ये 5,000 रुपए पेंशन देने के लिए। गाय बछड़ों की खुली करनी या इनका इंतजाम करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। किसानों का कर्जा माफ किया जाए और बाकी खेती का जो मूल्य है वो पूरा मिले किसानों का समर्थन मूल्य। जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हमारे जो आदमी गिरफ्तार करे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक यहाँ रहेंगे। A very clear sign here that despite the crackdown, while it is an intense crackdown by the government of already having arrested 80 farmers and farmer leaders, the farmers also equally determined here to continue with their protest, as they continue to maintain that the demands for a loan waive-off, as per mentioned in the Swaminathan report, the demands for an increase in the MSP, which could also increase their profit margin on their own produce. These are long-standing demands. These were protests along the same issue that we had seen all through last year as well, starting mid last year, from the month of August to September here. While this is yet another round of protests by the farmers on the same demands that have still not been met with by the state government. It's important here to note, very recently the state government had announced in its state budget a waive-off of certain loans. The farmers maintain that is not enough. Let's get in a word here, Mr. Rampal, who's a member of the Kisan Mahapanchayat. Many thanks for being with us, Mr. Rampal. Aapke raaye mein, jo Rajasthan kisano ki demand hai, और जो राजस्थान सरकार ने अभी प्रॉमिस किया है अपने स्टेट बजट में, क्या उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है किसानों को? ऐसा नहीं है, फायदा तो जो भी सरकार को अनाउंस करती है किसी न किसी को तो होता ही है जी। और अभी इससे जो फायदा होगा, जिन किसानों ने अल्पकालीन ऋण ले रखा है, जिसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, फसली ऋण कहते हैं, उस ऋण को इन्होंने एक बार में 50,000 तक माफ करने की घोषणा की है। दूसरी घोषणा उन्होंने की है, जिनका ओवर ड्यू लोन है जी, उसको ब्याज और पेनल्टी माफ करके उसको ले लेंगे आउटस्टैंडिंग में जी। तो वो जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसको ये माफ करेंगे, ये उनकी घोषणा है। अच्छा, तो ये इस घोषणा का लाभ तो राजस्थान के किसानों को होगा ही, लेकिन जिन्होंने कैप लगाई उस पर, उन्होंने एक कैप तो लगा दी कि भाई 50,000 अधिकतम होगा,
दूसरी कैप लगा दी सहकारी बैंकों का ही होगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये जो कैप लगाई है वेरियस कैटेगरीज एज प्री कंडीशंस जिनका लोन माफ किया जाएगा, उसमें सिर्फ 10% किसानों को फायदा है और किसी को नहीं? नहीं, ये तो अभी आंकड़ा आया नहीं गवर्नमेंट का जी, और जब तक गवर्नमेंट का ये आंकड़ा नहीं आया तो हमने पूछा हुआ गवर्नमेंट से। मैंने शुरू में ये कहा कि गवर्नमेंट पहले ये बताए किसे लाभान्वित होने वाले किसान जी, ये सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, मगर हमने दूसरे किसान लीडर से भी दिन भर बात की है तो उनके हिसाब से ये तो सिर्फ 10% किसानों का फायदा करेगा, बाकी सारे जो इतने बड़े राजस्थान प्रदेश के किसान हैं उनको कुछ खास फायदा नहीं होगा। ये अभी आंकड़े के बारे में तो मैं नहीं कह सकूंगा जी, इतना कह सकता हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म लोन है फसली ऋण, ये लगभग 20 लाख किसानों को दिया जाता है राजस्थान में, है ना। इसमें इन्होंने जो तीसरी कैप लगाई जिसकी मैं चर्चा कर रहा था जी, वो है लघु और सीमांत किसान, बाकी किसान कवर नहीं होंगे, ये इन्होंने कैप लगाई है। इस कैप के कारण से जो संख्या है वो 20 लाख से भी कम होगी, वो घट गई। इस कारण से हमारा कहना यह है कि सरकारों को चाहिए कि जिस कारण से किसान ऋणी हुआ उन कारणों का निवारण करे, और जिस कारण से वो ऋणी हुआ उनकी जिम्मेदारी सरकार खुद ले, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण से किसान ऋणी हुआ। और हमने 2 वर्ष का हिसाब लगाया, 6 फसलों का जी, 6 फसलों में जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करने के कारण घाटा सहना पड़ा वो 8000 करोड़ से अधिक है, और सरकार कह रहे हैं कि हम 8000 करोड़। तो ये आपकी डिमांड जो है ऑफकोर्स वेरी स्पेसिफिक, और जो कह रहे हैं रीसेंट अनाउंसमेंट सरकार ने उसमें 3 कैप्स लगा दी, 1000 प्रीकंडीशंस लगा दी है बिकॉज ऑफ विच द फार्मर्स आर नॉट बेनिफिटिंग। लेट्स गेट इन अ रिस्पॉन्स हियर फ्रॉम द रूलिंग बीजेपी इन द स्टेट, मिस्टर मोहनलाल गुप्ता विद अस ऑफ द फोन लाइन। मेनी थैंक्स मिस्टर गुप्ता फॉर बींग विद अस। द फार्मर्स एंड सेवरल फार्मर्स यूनियन एंड लीडर्स आर कंटिन्यूइंग विद दिस प्रोटेस्ट बिकॉज दे फील इवन द रीसेंट मोस्ट अनाउंसमेंट ऑफ अ वेव ऑफ in the state budget here by Rajasthan is hardly benefiting just a handful of farmers. देखिए, मेरे मित्र रामपाल जी को ये बात मालूम है, विधानसभा में अभी थोड़े दिनों पहले ही घोषणा हुई है जी, मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई हाई पावर कमेटी, जिसके तहत किसानों की जो भी ऋण माफी के संबंध में कोई भी समस्या होगी उसका तुरंत निराकरण करेगी और पूरे ऑर्डर निकालेगी, और किसी भी किसान को जो बजट घोषणा के अंतर्गत आते हैं जी उसको ऋण माफी में किसी भी प्रकार की नहीं। मिस्टर गुप्ता, ये बजट जो अनाउंस किया है उसमें तो 20 लाख से भी कम फार्मर्स क्वालिफाई करते हैं टू द कंडीशंस दैट द गवर्नमेंट हैज सेट आउट, जिनका लोन वेफर की माफी होगी। अगली बात जो आप कह रहे हैं कमिटी बैठाई गई है, ये प्रोटेस्ट तो पिछले साल से चले जा रहे हैं, कमिटी आज ही बैठाई गई है, इसी सेशन में बैठाई गई है, इतने महीनों बाद? नहीं, तुरंत होगा ये काम, देखिए आप, तुरंत होगा, तुरंत 6 मार्च को विधानसभा खत्म होगी, तुरंत ये काम हो जाएगा और किसानों के ऋण माफ हो। अच्छा, ये कौन सा काम हो जाएगा तुरंत, किस कौन सी मांग, कौन सी, विच डिमांड्स? देयर आर सेवरल डिमांड्स ऑन दैट लिस्ट बिकॉज दीज प्रोटेस्ट हैव पाइल्ड अप इन द पास्ट फ्यू मंथ्स ऑन अलोंग सेवरल लाइंस, वेदर इट इज लोन वेव ऑफ MSP, दोनों ही काम हो जाएंगे। रामपाल जी, क्या आप सहमत हैं इनकी बात से कि अभी कमेटी बैठाई है और अभी सारे काम हो जाएंगे? नहीं, हमारे गुप्ता जी साहब जो बात कर रहे हैं वो है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, राजस्थान कृषक ऋण राहत अधिनियम ये लाएंगे। वो अधिनियम आता है तो उसके कारण से किसानों को, जो ऋणी किसान है उनको अपनी बात कहने के लिए एक फोरम मिलेगा, लेकिन उस अधिनियम में प्रावधान कैसे होंगे जी, ये जब तक हम नहीं देख लें, जब तक उसमें कमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती। इस कारण से पहले ऋण राहत अधिनियम जो लाने की उन्होंने बात कही है वो अच्छी दिशा में कदम है, नो डाउट, लेकिन मगर रामपाल जी, आपको ये नहीं लगता कि ये अच्छी दिशा में जो कदम है बहुत देर में आया है, 6-8 महीनों के बाद आया है? निश्चित, बहुत देर से, ये 4 साल बाद आया है, ये इनको कदम दे लेना चाहिए था पहले बजट में, तो पहले बजट को छोड़ के अंतिम बजट में इन्होंने ये बात ली कि हम किसानों के लिए ऋण राहत अधिनियम लाएंगे, तो ये अंतिम बजट की बात है, राइट, पहले बजट का विषय होना चाहिए था। मिस्टर गुप्ता, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस एलिगेशन दैट द गवर्नमेंट इज रिएक्टिंग फार टू लेट ऑन दिस, दिस कुड हैव बीन रिजॉल्व्ड
when the government first came to power, and now it is your fourth year with just about barely a year left in power, and now you're making these promises, and the process could take far too long, and you would then be an outgoing government already. No, we are coming, upcoming government. You forget the semi-finals. In the finals, we are going to win the election. Definitely, we are in the we will get the majority, and it's a good part that our eyes are open, and we have seen the. It has taken 4 years, Mr. Gupta. It has taken 4 years to get this wake-up call or to open your eyes. Yes. Wake-up call is always better, and wake-up call will. But four years, and multiple suicides and multiple crises for the farmers. We are going to get the majority. No, forget the elections and whether you get the majority or not. The very fact that you have made this announcement at the fag end of your term. This announcement will be carried out. Definitely, all the announcement of the budget will be. Mr. Gupta, appreciate you speaking with us. Mr. Ramlal, farmer as well, saying that the government has woken up far too late with yet another promise with nothing reflecting on ground.